टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर सिक्स सॉल्विंग प्रॉब्लम फ्रॉम सेलिना कंसाइज फॉर क्लास टेन फोर आईसीएसई फर्स्ट डिविजन और फर्स्ट डिविजन में हम एग्जाम्पल्स और रिविजन एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट टेन एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं पल नंबर इलेवन तो यहां पर विस्म्याट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज सिक्स टू डिजिट नंबर में टू डि वंस प्लेस एंड टेन्स प्लेस ये होते हैं ना दोनों का प्रोडक्ट yes. सिक्स दिया हुआ है वंस या यूनिट एक की बात होती है लेट यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट हमने एक्स ले लिया देन टेंस डिजिट क्या आएगा यहाँ से बोलो बेटा विस्म्या सर सिक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई के प्लस है मल्टीप्लाई तो नीचे जाएगा कि माइनस होगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला याद है बेटा सर तनवीर टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला याद है बेटा सिमर 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 प्रीत सर yes, टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला याद है सर इसका कौन सा फॉर्मूला था ये बेटा डिजिट डिजिट प्लस यूनिट ठीक है? याद रहेगा अब यस सर सर हम इसे दूसरे तरीके से नहीं कर सकते थे कैसे दूसरा तरीका बता दो मुझे मैं भी सीख लूंगा oh. सर जैसे आपने यूनिट डिजिट एक्स लिया है तो सर हम तो जो सर टेंस डिजिट ले रहे थे वो सर टेन वाई ले लेते नहीं बेटा वो एक्स उसको टेन वाई कैसे ले लेंगे सर बिकॉज हमेशा ऐसे ही करते हैं सर नहीं बेटा ये अभी तो फिर वो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है ना ये हाँ जी सर तो फिर प्रॉब्लम वहीं पे आएगी सर बट यूनिट डिजिट आपने एक सौ टेन यहाँ देखो ना बेटा ये कंडीशन हमें दी हुई है ना कि दोनों का प्रोडक्ट सिक्स दिया हुआ है yes. मैंने वंस वंस का मतलब यूनिटी होता है हाँ, यूनिट तो एक्स ले लिया एक्स मल्टीप्लाई है तो नीचे जाएगा ना तो टेंस डिजिट आएगा ना हमारे पास से एक बार फिर से समझा दो ना? ना।, ना किसने बोला ने? ये धैर्या धैर्या क्वेश्चन देखो बेटा बुक है ना आपके पास यस सर दोनों का प्रोडक्ट यूनिट इनटू टेंस देखो टू डिजिट नंबर में दो डिजिट होते हैं यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है सिक्स दिया है ना यस yes, सर हमने यूनिट डिजिट को xलेट कर लिया तो टेंस डिजिट क्या आएगा हमारे पास यहां से तो वही लिखा बेटा मैंने यहाँ पे देखो लिखा ना अब टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला बेटा ये याद रखना टेन इंटू टेन्स प्लस यूनिट फॉर्मूला लर्न कर ले बेटा वो टेन वाई वाला छोड़ दे अब ओके सर टेन्स डिजिट ये है बेटा यूनिट डिजिट ये है यहाँ फिल किया और ये क्या किया है सिर्फ कैलकुलेशन किया है कैलकुलेशन करके कैलकुलेशन तो करना आता है ना सबको टेन सिक्सटी अपॉन एक्स प्लस एक्स एक्स के नीचे प्लस एक्स और रिवर्सिंग डिजिट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिजिट इंटरचेंज प्लेस इंटरचेंजिंग डिजिट लिख लो इंटरचेंजिंग डिजिट नंबर बिकम्स क्या आ जाएगा नंबर टेन इंटू यूनिट प्लस थर्टी सिक्स है बेटा इंटरचेंज करेंगे तो सिक्सटी थ्री बनेगा ना जो टेन टेंस डिजिट है वो यूनिट बन जाएगा यूनिट वाला टेंस बन जाएगा इंटरचेंज हो जाएंगे ना तो यहां से yes. क्या आ गया हमारे पास टेन एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स आ गया यहां से नंबर क्या आ गया हमारे पास टेन एक्स प्लस सिक्स आ गया ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है जो मैंने बॉक्स में ऊपर कर दिया ये हमारे पास इंटरचेंज करके आया डिजिट नंबर आया है अब इसके बाद कंडीशन क्या लिखा है कौन सा है ये वाला nine. है एक्स प्लस नाइन कहते ये लिखा है ना if nine is added to the number the digit reverses their place interchange their place to so ye number aa jayega hamare paas yes sir yahan lcm kya aa gaya x what we get this one और यहां पे same to same रहने दो X से X cut कट, कट हो गया अब इन सारी को उस साइड ले जाओ टेन एक्सर माइनस एक्स स्क्ट नाइन एक्सर नाइन एक्स माइनस हो गया सिक्स माइनस फिफ्टी फोर आ गया जीरो इस इस साइड साइड चाहे नाइन कॉमन है इसमें यहां यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या बनेंगे थ्री एंड टू थ्री माइनस क्योंकि यहाँ माइनस आइन है थ्री माइनस का होगा और टू प्लस का होगा फर्स्ट टू में लास्ट टू में एक्स कॉमन एक्स माइनस थ्री

मतलब वा साइन कौन सा लगता है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक बता रहे थे आप कोई बात नहीं यहाँ देखिए बेटा ये आ ना बेटा हमारे पास यस स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिग्री टू फिर सिंगल डिग्री सिंगल टर्म पावर वाली फिर कांस्टेंट टर्म अब इसमें मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो वन इंटू मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए सिक्स लास्ट टर्म से पहले क्या साइन है माइनस माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे कितना है में? Mm. दो नंबर कब होते हैं बेटा जब एक वैल्यू प्लस की हो और दूसरी वैल्यू माइनस मिडल टर्म से पहले क्या साइन है माइनस तो बिगर टर्म हम माइनस की लेंगे और स्मॉलर टर्म प्लस की लेंगे okay. दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आए और सब करें तो वन आए बोलो बेटा थ्री और थ्री एंड टू थ्री बड़ा है कि टू बड़ा है थ्री और यहाँ माइनस देखो मैंने पहले लिख लिया था ना बिगर और टू प्लस का वही लिखा है मैंने माइनस थ्री प्लस टू ठीक yes. है थैंक यू सो अब जो डिजिट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता ये केस रिजेक्ट हो जाएगा अब ओरिजिनल नंबर कौन सा था हमारे पास ये था ना बेटा इसमें वैल्यू फिल कर दो नंबर क्या आ जाएगा सिक्सटी प्लस एक्स स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन अपॉन थ्री अपॉन थ्री थ्री इज आया बेटा यस सर जी। सर no. इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं ना जो मर्जी मेथड से करो मेरे को तो ये इजी लगता है मैं नहीं तो ये तो बहुत लंबा आपने घुमा फिरा के किया है कोई घुमा फिरा के नहीं किया मुझे बता क्या कहा घुमाया सर टेंस डिजिट को सिक्स बाय एक्स क्यों लिया यार ये ये क्या दिया है हमें सर गिवन है फिर वहीं से तो निकाला है टेंस डिजिट यूनिट को एक्स ले लिया टेंस सिक्स बाय एक्स ही आएगा ना यस सर अगर आप एग्जांपल देखोगे ना एग्जांपल से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा उन्होंने सीधा लिख दिया रिक्वायर्ड टू डिजिट नंबर इस फॉर्मूला से बेटा टेंस और यूनिट की वैल्यू फिल की ये तो कैलकुलेशन पार्टी है ये भी कैलकुलेशन पार्टी है ये तो करना ही पड़ेगा सर हाँ जी सर ऑन इंटरचेंजिंग डिजिट्स नंबर वो समझ नहीं आए मुझे एक बात बता ट्वेंटी थ्री है बेटा नंबर Yes, ये यूनिट डिजिट है ये टेंस डिजिट है टू डिजिट नंबर क्या होता है टेन इंटू टू प्लस थ्री करेंगे तो वही तभी ट्वेंटी थ्री आएगा ना यस सर इंटरचेंज करके जो नंबर आया उसमें थ्री पहले लग जाएगा और टू तभी थर्टी टू बनेगा ना यस yes, सर वही चीज की है बेटा यूनिट डिजिट एक्स टेंस सिक्स बाई आ गया नंबर ये आ गया अब इंटरचेंज करके नंबर क्या आएगा जो यूनिट है वो टेंस के प्लेस पे हो जाएगा और जो टेंस है वो यूनिट के प्लेस पे हो जाएगा बस वही किया सर एक्सक्यूज मी सर आप वो एग्जांपल दोबारा समझा सकते हैं वो 23 वाला 23 वाला हां सर ये वाली गई नींद आ गई थी पहले सर और सर कॉल आ गई थी डिस्कनेक्ट हो गई थी इसलिए टेंस यूनिट यूनिट इज इट 3 है टेंस इज इट 2 है 10 10 is it? टेंस डिजिट टू है ना प्लस थ्री तभी इन, इसको कैलकुलेट करके ट्वेंटी थ्री बनेगा यस yes, सर इंटरचेंज इंटरचेंज करके ट्वेंटी थ्री थर्टी टू बन रहा है ना यस yes, सर मतलब जो थ्री वाला प्लेस था थ्री डिजिट था वो यहाँ पे आ गया और टू इधर चला गया वो यहाँ पे वही चीज तो की है इंटरचेंज करके यस सर समझ आ गया Now example number 12 इलेवेंथ बच्चे किसको ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो आगे सबको यस फर्स्ट वाला पार्ट समझ आ गया फिर वो लास्ट वाला पार्ट नहीं आया लास्ट वाले में तो कुछ था ही नहीं यहाँ तो कंडीशन ही बनाई है ना बेटा उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाइन इज एडेड टू द नंबर ओरिजिनल नंबर में ही ऐड करेंगे ना तो डिजिट आ रिवर्स रिवर्स करके मतलब जो नंबर आया उसके इक्वल रख दिया ये तो कैलकुलेशन ही है सुहा सर so, मतलब प्रोडक्ट जो था तो सिक्स जो प्रोडक्ट था उससे टेन एक्स प्लस सिक्स लाइक होल हाँ जी ओके okay, सर अब हमारे पास आ गई एग्जांपल नंबर ट्वेल्व Twelve, Alicia. Five yes, years ago. Sir. Five year ago, a woman a age was square the uh, square of her son's age. Ten year hence. Ten year hence her age will be twice that of son's age. Find the age of son five years ago, present age of woman. वुमेन्स एज वॉज द स्क्र ऑफ सन्स एज फाइव ईयर ए गो तो हम लेट भी क्या करेंगे व स्क्र ऑफ सन एज एक्स स्क्वायर आ जाएगी इन अगर इयर्स वर्ड नहीं डाला ना तो हाफ मार्क कट जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एक काम करो या पहले प्रेजेंट एज फाइन करो ना प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या आ जाएगी बेटा एक्स प्लस फाइव क्योंकि ये फाइव ईयर एगो थी पांच साल पहले एज थी अब कितनी हो जाएगी एक्स प्लस फाइव ऐसे ब्रैकेट डाल के ईयर्स डालना है now present age of woman x square plus five now according to question what I what I have to write down so ten years ten years later ten year hence her age her मतलब woman की age will be twice that of her son's age ten year में ten year hence woman की age क्या हो जाएगी sir x square plus fifteen plus fifteen हाँ 5 plus 10. हाँ किसके लिखा है है, उन्होंने हाँ जी बेटा, इसमें आगे ले रहा है। वो प्रेजेंट टाइम से ले रहा है कि वो फाइव इयर्स बिफोर से ही ले रहा है खुद सोचो दिमाग यूज करो अपना से, से ही ले रहा हो हाँ, प्रेजेंट से ही लेगी बेटा अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ फाइव ईयर एगो आपकी एज ईयर ईयर थी ठीक है यस बाद आपकी एज कितनी होगी ट्वेंटी फाइव हाँ तो प्रेजेंट से लेंगे फाइव ईयर okay. बैक से नहीं लेंगे okay, आज की बात कर रहे हैं हम ठीक है प्रेजेंट के टाइम फाइव ईयर एगो पांच साल पहले टेन ईयर थी प्रेजेंट में फिफ्टीन है तो दस साल बाद कितनी होगी ट्वेंटी फाइव ही होगी ना यस yes, वही सेम चीज सन the... की एज के हाँ जी बेटा सर जो मेन की एज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव क्यों लिखे इफ्रा व्हाट आर यू प्रेजेंट नाउ आपकी एज कितनी है सर so 15 5 ईयर अगो कितनी एज आपकी सर so थी थी आपकी आपकी तो 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 कितनी कितनी हुई? तो होगी बेटा? तो पे क्या लिखा है देखो फाइव ईयर एगो थी ना सन की एज एक्स तो प्रेजेंट एज में फाइव ऐड नहीं करेंगे सर वोमेन की मैं पूछ रही हूँ तो वोमेन अब तेरी मदर की एज पांच साल पहले सपोज थर्टी फाइव थी प्रेजेंट एज कितनी होगी बोलो फोर्टी so, तो so, yes. उसमें भी तो ऐड हुआ ना मदर की एज में भी तो फाइव ऐड करेंगे क्योंकि तो मदर की एज भी तो फाइव ईयर एगो की है वो समझिए बेटा सर पहली लाइन yes, समझ नहीं आई गुरुदेव सर पहली लाइन सन के ऊपर नहीं आएगा क्यों सन के ऊपर आएगा सर मदर की एज ज्यादा कैसे हुई सन से अच्छा सर सर सॉरी <laughs> <सोरी> सॉरी <laughs> मदर की एज कहता ज्यादा कैसे हो गई <laughs> नहीं मदर की ये छोटी होगी ना सन से? <laughs> नो सर <laughs> समझा दो फिर भी कुछ नहीं बेटा लाइन देखो ना क्या लिखा है यहाँ तक जो मैंने अंडरलाइन किया है यस yes, सर क्या लिखा है फाइव ईयर एगो पांच साल पहले जो वुमेन की एज है वाज मतलब इक्वल किसके इक्वल थी स्क्वायर ऑफ सन एज मतलब सन की भी तो फाइव ईयर एगो की एज ही होगी ना वो उसके स्क्वायर के इक्वल है तो मैंने सन की एज को एक्स ले लिया तो वुमेन की एज क्या होगी एक्स स्क्वायर होगी फाइव ईयर एगो प्रेजेंट एज में दोनों में फाइव फाइव एड हो गया अब टेन ईयर हैंस तो प्रेजेंट एज में से टेन ईयर लेटर मतलब बाद में तो टेन टेन और एड कर दिया दोनों में किसके इक्वल थी किसके इक्वल होगी विल बी ट्वाइस टू टाइम पता है क्या है चलो यहाँ तो सही भी प्रैक्टिस तो कसम खाई हुई है करनी नहीं है सर करता हूं करते हैं जिनको माइनस करके टू आए देखो धैर्या मल्टीप्लाई करके फिफ्टीन आना चाहिए लास्ट टर्म से पहले क्या साइन है माइनस so माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट यहाँ पे yes, क्या है टू आना चाहिए minus. दो नंबर कब होते हैं एक प्लस का एक माइनस का सकते. यहाँ क्या साइन है माइनस बिगर टर्म माइनस की होगी स्मॉलर टर्म यहां प्लस होता तो बिगर टर्म प्लस की हो जाती स्मॉलर माइनस की फाइव एंड थ्री दोनों को माइनस करके टू आएगा ना और मल्टीप्लाई करके फिफ्टीन आएगा बिगर कौन सा है दोनों में से फाइव फाइव माइनस का और थ्री प्लस का तो माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स 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 माइनस फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव दोनों में से एक्स माइनस फाइव कॉमन आ गया क्या बच गया एक्स प्लस थ्री बच गया आइदर दिस और दिस एक एक्स की वैल्यू फाइव आ जाएगी एक एक्स की वैल्यू माइनस थ्री और एज कांट भी नेगेटिव ये केस क्या हो जाएगा रिजेक्टेड हो जाएगा अब उन्होंने पूछा क्या था एज ऑफ सन फाइव ईयर एगो देर जो चीज पूछी है वैसे लिखेंगे एज ऑफ सन फाइव ईयर है को कितनी थी ये रही x इज इक्वल टू फाइव ईयरस और सेकंड में प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन एज ऑफ वुमेन ये रही प्रेजेंट एज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स की वैल्यू फाइव है तो फाइव स्क्वायर प्लस फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव कितना आ गया हमारे पास थर्टी इयर्स, आया समझ हाँ जी सर जो एक्स की वैल्यू हमारी प्रेजेंट है तू सो रहा था नहीं सर मतलब ऊपर मैंने इक्वेशन ही दिख रही सर, एक मिनट क्यों ऊपर वाली इक्वेशन क्यों नहीं दिख रही तेरे को सर आपने नीचे किया हुआ था ना कॉपी को तो पहले मैंने समझाया ही था तब सो रहे सो रहा नहीं था? था वो, वो समझ लिया सर इक्वेशन देखनी है सर 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 देख लिया हां जी सर, ये चैप्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है अच्छा तो अपने आप ही नहीं है क्लास बीच में छोड़ के चले जाओगे तो ऐसे ही होगा सर मैं कब छोड़ के गई क्लास कल सर कल कब सर मैं थी तो पूरे टाइम कल तो आपने सुबह में क्लास लिया था हम्म hmm. 1 मिनट बता हां जी नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्टीन चलो इफरा करवाएगी अभी ए मोटर बोट स्पीड इज हुईन किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वॉटर ये हमें गिवन है कितनी गिवन है नाइन किलोमीटर पर, पर आर गोस ट्वेल्व किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देखो यहां से नीचे की तरफ गई कितना ट्वेल्व किलोमीटर एंड कम्स बैक कम्स बैक मतलब यहां से उसने टर्न मारा वापिस गई डिस्टेंस सेम ट्वेल्व किलोमीटर कवर किया ना वापिस आने में मतलब यहां तक से तक. टोटल थ्री आर फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ x बी कर आर हाँ, एक्स किलोमीटर पर तो आर नहीं डालोगे तो हाफ मार्क कट जाएगा अब यहाँ पे दो लाइंस लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट वाइल गोइंग डाउनवर्ड्स जब उसने नीचे जाना है बेटा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बोट की तो ना इफ्रा ओनली सर एक्स प्लस नाइन नाइन एक्स प्लस नाइन चलो स्पीड वाइल गोइंग अपवर्ड कितनी होगी सर वो कम हो जाएगी ना एक्स माइनस नाइन मुझे एक बात बता जो वाटर है स्ट्रीम का मतलब वाटर वाटर की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा होगी बेटा नो no, सर सर वो नाइन माइनस एक्स होगी मैंने पहले यहाँ पे नाइन प्लस एक्स ही लिखने लगा था पर मैंने मुझे पता था तो यहाँ पे एक्स माइनस नाइन लिखेगी इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स प्लस नाइन लिख दिया क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट माइनस करते वक्त फर्क पड़ेगा अब इफ्रा, वाला सर वो पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है आद्या यस सर यस सर अगर हम आ, कागज की नाव बना के पानी में छोड़ दें तो नाव वो वहीं पे खड़ी रहेगी नो सर चलेगी चलेगी। उसमें उस कागज की नाव की स्पीड है कोई हाँ सर होगी उसकी तो जीरो है वो तो पानी की स्पीड से जा रहा है बेटा कागज की स्पीड की तो उसमें कौन सा पेट्रोल डलता है कि वो चलेगी हाँ सर सर लेकिन उसकी जाने की स्पीड तो होगी ना स्पीड किसके इक्वल होगी बताओ पानी की स्पीड के इक्वल ही होगी ना उस टाइम तो यस सर तो? yes, okay. मतलब स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वाटर जब जब उसकी कोई स्पीड नहीं है जब वो बंद पड़ी है ठीक है अच्छा यस सर अब ऑलरेडी उसकी स्पीड दी हुई है बोट की नाइन किलोमीटर पर आर दी हुई है ना यस yes, सर और स्पीड पानी की स्पीड एक्स है अब पानी भी नीचे की तरफ जा रहा है बोट भी नीचे की तरफ जा रही है तो बोट की स्पीड इंक्रीज नहीं हो जाएगी कितनी हो जाएगी उसकी खुद की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड अब पानी yes. नीचे की तरफ आ रहा है बोट ऊपर की तरफ जा रही है तो पानी उसको नीचे की तरफ नहीं धकेलेगा स्पीड कम नहीं करेगा उसकी यस yes, सर करेगा तो कितनी स्पीड कम करेगा जितनी पानी की स्पीड है अब आप भागे आ रहे हो आपको पीछे से कोई धक्का दे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी कि कम होगी क्या सर आगे आ रहे हो फिर तू भाग रही है पीछे से तेरे को किसने धक्का दिया तो सर बढ़ेगी और मान लो तू भाग के जा रही है तेरे को आगे से कोई रोकने की कोशिश करे तो सर तो तो कम होगी कम होगी स्पीड स्पीड कम हो जाएगी है ना यस वही सेम चीज है और उसकी खुद की स्पीड स्टिल वाटर में नाइन है पानी की एक्स है जब नीचे की तरफ जाना है तो पानी और उसकी दोनों की स्पीड एड हो जाएगी बट जब यस सर अपोजिट डायरेक्शन में जाना है पानी के तो पानी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना तो उतनी yes, स्पीड उसकी कम हो जाएगी इफ्रा टाइम का फॉर्मूला सर हमें कैसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड सर बोलो समृद्धि सर बट यस सर हमें कैसे पता कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड स्ट्री, से कम है अगर बेटा स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा होगी तो वो ऊपर कभी पहुंचेगी नहीं वो नीचे नीचे जाएगी फिर तो, तो वो वापिस आई है ना वो वापिस आई है ना हम्म हाँ से समझा Yes, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा इफ्रा कितना डिस्टेंस कवर किया यहां से लेके यहां तक सर एक्स प्लस नाइन

यहाँ दोनों का एलसीएम नाइन प्लस एक्स नाइन माइनस एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे ट्वेल्व नाइजा वन हंड्रेड एट माइनस ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व नाइजा वन हंड्रेड एट प्लस ट्वेल्व एक्सिकल टू थ्री ये दोनों कैंसिल yes. हो गए माइनस बी एटी वन माइनस एक्स स्क् थ्री अपॉन वन के अब थ्री से ये कट हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा मल्टीप्लाई नहीं करता इसको ऐसे ही रख लूंगा Next yes. में थ्री so को नीचे ले जाऊंगा क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं रखना इस साइड ले आए आ, ये ऐसे कर सकते हैं हम क्योंकि एक्स वाली टर्म कोई है ही नहीं तो ज्यादा इजी रहेगा हमें यस स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस माइनस एक एक्स की वैल्यू माइनस थ्री एक एक्स की वैल्यू थ्री रिजेक्ट हो जाएगा सर अब माइनस क्यों लिया यार रूट है सर, जब बोला था नहीं नहीं लेते वो। वो वो तो अभी। हो सकती। फिर तो लिख दिया। सर फिर प्लस माइनस ले ही ना रिजेक्ट ही नहीं करना बाद में कोई बात नहीं तू ना लेना पर मेरे को बाद में मत बोलना कि एग्जाम में मार्क्स काट लिए मेरे टीचर ने नो no, सर <laughs> Therefore, speed of stream कितना आ गया x is equal to थ्री किलोमीटर पर आर ठीक है समझ आ गया बेटा यस सर इतना टफ लग रहा है चैप्टर सर ये वाला क्वेश्चन तो नहीं लगा पर हाँ वैसे लग रहा है तो एक काम करना आज रात को बैठ के ना सुन लो चुप कर जा एक मिनट बकवास करने की आदत है इफ्शिदा की तरह आद्या को भी बात ही नहीं करने देती सर हाँ जी इफ्रा Yes, आज रात को बैठ के सारी एक्सरसाइजेस खत्म करना और कल मेरे से डाउट पूछना तभी इजी बनेगा अदरवाइज ये टफ ही रहेगा चैप्टर okay. समझाई yes, सर yes, इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का बोर्ड में आ सकता है पता नहीं बेटा पेपर नहीं डाला मैंने सर कितने क्वेश्चंस मार्क्स पता नहीं देखा नहीं मैंने अभी सर का प्रूफ आएगा ना के प्रूफ नहीं है चार मार्क्स क्या आएंगे चलो कोई बात नहीं अभी जो नेक्स्ट सम है बेटा ऋतुजा yes, रितुजा के पास टू हंड्रेड रुपीज हैं मैं अपनी तरफ से एक स्टोरी बना के समझा रहा हूँ ये समितुजा के पास टू हंड्रेड रुपीज हैं वो एक शॉप पे चलेगी पहली शॉप पे ठीक है मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दो मैं अपनी तरफ से कोई और एग्जांपल ले रहा हूं इसके बाद टू हंड्रेड रुपीज है इसने पेन लेना है पेनज लेने एक पेन फिफ्टीन रुपीज का है वन पेन की कॉस्ट

ठीक है या हाँ चलो होलसेलर के पास चली गई उसने तेरे को कम कॉस्ट में दे दिया हाँ। उसने सपोज क्या ले कि 200 पे तो ब्रोकर कट ही नहीं हो रहा चलो यहाँ 25 ले ले कितने पेन आएंगे आ, एट ये होगा ना टोटल मनी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ वन तो होलसेलर के पास चली गई उसने तेरे को वही पेन ट्वेंटी रुपी में दे दिया अब तेरे पास पेन कितने आ रहे हैं टेन मतलब पहले एट पेन आ रहे थे अब तेरे पास टेन पेन आ रहे हैं मतलब कॉस्ट कॉस्ट पेन की क्या होगी फाइव लेस कर दी ना हाँ तो तेरे पास क्वांटिटी ऑफ पेन कितनी इंक्रीज हो गई दो से इंक्रीज इंक्रीज टू हो गई जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है वो इसी पे बेस्ड है यहाँ मैंने पेन लेके किया है क्लोथ कपड़ा है एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन अब मैं तो करवा रहा हूं बेटा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो देखो क्या लिखा है ए पीस ऑफ क्लोथ टू रुपी टू हंड्रेड टू हंड्रेड का क्लोथ है इफ द पीस वाज फाइव मीटर लॉन्गर जो पीस जितना पहले आ रहा था उससे फाइव मीटर ज्यादा मिल रहा है तो हरेक की कॉस्ट क्या हो जाएगी रुपी टू लेस रुपीज तो टू हंड्रेड ही है ना

टोटल टू हंड्रेड रुपीज थे एक्स मीटर क्लॉथ लिया तो ईच मीटर की कॉस्ट क्या आ गई इतने रुपीज अब वेन लेंथ ऑफ पीस इज फाइव मीटर लॉन्गर देन कॉस्ट ऑफ ईच मीटर क्या होगी टू x अपॉन एक्स प्लस ये चीज समझ आई बेटा ये ओरिजिनल फाइव मीटर ज्यादा लिया इसने तो और की cost क्या आगी? 200 upon x plus 5. अब इन दोनों cost में से कौन सी कॉस्ट ग्रेटर है एक्स टू हंड्रेड अपॉन एक्स बड़ा है हाँ. क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच कम होगी ना और ये ज्यादा होगी

आगे हो जाएगा बेटा हाँ सर सर हाँ जैसे अगर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ गया तो हम फिर उसको कम छोटा हो जाता हाँ? है तो अगर सर उपर वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू अलग रही तो, तो हम कैसे करें? फिर तो चेक करना पड़ेगा वो तो दिया है जैसे लिखा हुआ है कि फाइव मीटर लॉन्गर होगी तो हर एक की नहीं सर अगर ऐसा 200 हंड्रेड एक्स तो इसको मत देख तो क्वेश्चन भी रीड करना कि क्वेश्चन में क्या लिखा है नहीं सर मैं वैसे नहीं इन जनरल पूछ रही हूँ जनरल जैसे मर्जी पूछती रहे 200 हंड्रेड एक्स है और 140 फोर्टी एक्स नहीं एक्स प्लस फाइव है तो बच्चे ऐसे नहीं होगा वो तो कंपैरिजन एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो क्या होगी सर sure. हाँ जी फिर हमने उधर माइनस क्यों कर दिया था? यहाँ पे टू इंक्रीज हुई कैसे पता चला? माइनस करके पता चला ना? बोलो समझा दो ना ये लो सर समझा दो ऊपर वाला फिर से क्या समझाऊं यार मुझे जो ये नहीं समझ रहा है सर पहली दो लाइनें समझ नहीं आएंगे यार पीस तेरे पास तूने एक्स मीटर मतलब मान लो टेन मीटर का क्लोथ ले आया लिया yes. तूने तेरे पास रुपीस कितने हैं टू हंड्रेड तो हर एक की कॉस्ट कितनी आएगी ट्वेंटी ट्वेंटी क्या किया डिवाइड ही किया ना यहाँ पे वही yes. तो किया उसके पास दो सौ रुपया ही था ना दो सौ रुपये में उसने एक्स मीटर क्लॉथ लिया था तो एक मीटर की कॉस्ट क्या आएगी डिवाइड बाय एक्स होगा अब फाइव मीटर लॉन्गर हो गया क्लॉथ पहले एक्स मीटर लेंथ आ रही थी अब उसके पास कितनी मीटर फाइव आएगी ना रुपीज कितनी है टू हंड्रेड ही है और एक की कॉस्ट क्या हो जाएगी टू हंड्रेड पॉइंट एक्सप्ल फाइव हो जाएगी ना यस सर अब ये वाली कॉस्ट ग्रेटर है कि ये वाली ये वाली ग्रेटर है क्योंकि तो अब जब लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो वो कम हो जाएगा ना तो दिस माइनस दिस बस फिफ्टींथ एग्जाम्पल शॉपकीपर बाई अटन नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपी नाइन सिक्सटी टोटल मनी कितनी है उसके पास रुपी नाइन सिक्स इफ द कॉस्ट ऑफ पर बुक वॉज रुपी एट लेस द नंबर ऑफ बुक दैट कुन बोर्ड फॉर नाइन सिक्स फॉर मोर लेट टेकिंग दिजिनल कॉस्ट ऑफ इच बुक लिखा हुआ उन्होंने खुद ही लेट

से कॉस्ट कम होगी सर यस कॉस्ट कम हो गई है हरेक की तो तो नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे तेरे पास सर तब ज्यादा आएंगे तो ये बिगर हुआ ये स्मॉलर हुआ ना यस सर ये चीज का ध्यान रखना है कि कॉस्ट एक्स थी लेस होगी तो नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज होंगी तो कितनी कितनी बुक्स इसको ज्यादा मिल रही र कितनी बुक्स ज्यादा मिल रही हैं फोर मोर बुक्स फोर मोर तो बिगर माइनस स्मॉलर हमेशा बिगर टर्म में से स्मॉलर टर्म माइनस करनी है और किसके इक्वल जितना दिया हुआ है फोर बुक्स फोर अब इसको अपने आप सॉल्व करोगे मैं नहीं करूंगा लास्ट सम एग्जांपल सिक्सटीन है जो वो भी इसी टाइप की है कुछ स्टूडेंट्स ने पिकनिक प्लान की बजट फॉर द फूड वॉज फोर एट्टी टोटल बजट कितना है चाहे दस जने जाए चाहे पचास जने जाए चाहे हंड्रेड जने जाए चाह फोर एटी रुपी ही खर्च करनी है उन्होंने एज एट ऑफ दू ज्वाइन अब एट स्टूडेंट क्या थे फेल हो गए मतलब नहीं गए वो

चाहे आठ जने कम गए हैं पर भी फिर भी फोर एटी रुपीज ही लगेंगे फोर एटी अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस दोनों में से कौन सी वैल्यू बिगर है एक्स माइनस एट एक्स माइनस माइनस डिस वन किसके इक्वल टेन अब इसको भी अपने आप सॉल्व करोगे एक्सक्यूज मी सर हाँ जी सर एक बार ये क्वेश्चन समझा दो सर डिस्कनेक्ट हो गया कोई बात नहीं अब अपने आप करना था सर, सर सम्झेक्ट सम्झेक्ट दिया 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 दिया। था? क्या था कोई बात नहीं ट्राई करना नहीं आएगा फिर पूछ लेना ओके सर चलो ठीक है बेटा मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है अभी 9:00 बजे क्लास है ना हां है ओके